फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज और एक टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर सोनी का 40EX500 मॉडल है। सोनी का 40 इंच का टीवी सेट है। इसमें पैनल जो है ब्रोकन है, इसलिए हमें इसके अंदर नया पैनल सेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो ये नया पैनल है वो सैमसंग का पैनल है, जो कि 15Y पैनल जो अभी मोस्टली मार्केट में रनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 15Y जो पैनल है, फुल HD पैनल, उसको ये टीवी सेट के अंदर हमें सेट करना है। तो जैसे कि मैं आपको इसके पहले दूसरे जो वीडियोस मैंने बनाए उसके अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि सोनी के अंदर जब भी पैनल रिप्लेस करना है तो उसकी पैनल ID जो है वो मैप करनी पड़ती है। तो ये उसका पुराना टिकॉन है, पुरानी पैनल का टिकॉन बोर्ड है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से ये पैनल ID यहाँ से निकाल के उसके लिए यहाँ पे मॉड्यूल में पैनल ID जो है वो माउंट कर दिया है। यहाँ पे ये मेमोरी मॉड्यूल जो है उसके अंदर मेमोरी लगा दी है, और मॉड्यूल को जो 3.3 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए वो मदरबोर्ड से ले लिए है, और SDSCL वो यहाँ पे मदरबोर्ड के LDS कनेक्टर में से इस जगह से SDSCL ले लिए है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो है वो मॉड्यूल को 3.3 वोल्ट दे दिए हैं, और यहाँ से ग्राउंड ले लिया है। तो ये मॉड्यूल को अभी सप्लाई और SDSCL वो दोनों मिल गए हैं, और मेमोरी इसमें लगा दी है। तो पैनल ID जो है उसका मैप करवा दिया। दूसरा इसके अंदर जो मेन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो यहाँ पे जो टिकॉन बोर्ड, पुराना जो टिकॉन बोर्ड था उसके अंदर इस जगह पे एक कनेक्टर है यहाँ पे, जो SMPS से कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट होता था। ये उसका जो केबल है वो यहाँ से कनेक्ट होता था, जिसमें से उसको LDS सप्लाई 12 वोल्ट का LDS सप्लाई जो है वो SMPS के थ्रू मिलता था, बोर्ड के थ्रू नहीं। यहाँ पे बोर्ड के थ्रू LDS सप्लाई नहीं आ रहा है, तो यहाँ से उसको 12 वोल्ट जो है वो टिकॉन में जाके उसको LDS सप्लाई मिलता था 12 वोल्ट का। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट का जो जंपर है, यहाँ से SMPS के नीचे से डायरेक्टली 12 वोल्ट जो है वो यहाँ पे ये कन्वर्टर जो लगा है उसके अंदर LDS सप्लाई का जो ट्रैक्स है, सप्लाई के ट्रैक्स है, वहाँ पे लगा दिए हैं। मदरबोर्ड काफ़ी डिस्टेंस पे था, इसलिए हमने नज़दीकी कनेक्टर पे ऊपर ही लगा दिए 12 वोल्ट। नहीं तो हम यहाँ पे मदरबोर्ड के कनेक्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं, या तो पैनल के जो इनपुट कनेक्टर है पैनल का वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे ये कन्वर्टर के ऊपर जो LDS के सप्लाई के ट्रैक थे वहाँ पे ये 12 वोल्ट का जंपर लगा दिया। तो अभी इसको 12 वोल्ट मिल गया, यहाँ पे उसको पुरानी पैनल का पैनल ID मिल गया। तो अभी ये सेट जो है उसको हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है सेट को, और बैकलाइट मुझे ऑन करना पड़ेगा, ये पैनल भी मैंने कनेक्ट रखा है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो डिस्प्ले आएगा, और फिर डिस्प्ले आके वन टाइम खाली सोनी लोगो आके फिर ये सोनी लोगो आया और ये लोगो चला गया, और बैकलाइट भी ऑफ हो गया, और यहाँ पे 5 Blink में चला गया, ये भी 5 Blink आ रहा है। ओके, तो इसमें इस मेन चीज़ जो है मैं यही बताना आपको चाहता हूँ। पैनल ID के वीडियोस तो मैंने दूसरे बनाए हैं, उसमें आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो मेन मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे पैनल ID भी उसको दे दिया 12 वो सप्लाई जा रहा है, फिर भी ये सोनी का लोगो आके यहाँ पे 5 Blink में जा रहा है। तो हम वापस एक बार ये पुराना जो पैनल का टिकॉन है उसको लगा के देखते हैं। यहाँ पे LDS कनेक्टर लगा दिया, और उसको 12 वोल्ट सप्लाई भी देना पड़ेगा यहाँ से SMPS में से। ओके, तो
अभी ये नए पैनल को अभी हटा दिया है, वैसे पैनल आईडी लगा हुआ है इसलिए उसको पैनल आईडी तो मिल ही रहा है, और पुराना टिकॉन भी इसके कनेक्ट कर दिया है। तो अब सेट ऑन करते हैं, यहाँ पे अभी ये सेट ऑन हो किया है हमने, तो अभी ये फाइव लिंक में नहीं जाएगा, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी वो ये बैकलाइट ऑन हो गया, तो वो कॉन्स्टेंट यहाँ पे बैकलाइट आप देख सकते हैं, बैकलाइट ऑन हो गया है, यहाँ पे कंटिन्यू ये चालू रहेगा, फाइव लिंक में नहीं जाएगा, मतलब कि अभी भी टिकॉन जो पुराना टिकॉन बोर्ड है उसमें से कुछ ना कुछ वो रीड कर रहा है, जो ये टिकॉन हटाने के बाद उसको नहीं मिल रहा है। ओके, तो उसके लिए हमने सेट ऑफ कर दीजिए, ये टिकॉन बोर्ड जो है उसको थोड़ा स्टडी किया, और यहाँ पे LVDS का जो कनेक्टर है उस जगह पे हमने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, तो उसके पीछे यहाँ पे सारे उसके जो सिग्नल्स है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसमें यहाँ पे जो एच सिंक लिख के जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये एच सिंक, यहाँ पे एच सिंक लिखा हुआ है, जो कि ये वाला डॉट बनता है फर्स्ट डॉट, ये एच सिंक वाला जो कनेक्शन है वो 3.3 वोल्ट के करीब वोल्टेज है उसके अंदर, वो यहाँ से टिकॉन प्रोसेसर में से LVDS कनेक्टर पे जाते हैं और फिर वो मदरबोर्ड को कनेक्ट होते हैं। तो ये एच सिंक वाला जो लाइन है वो मेनली इसको मदरबोर्ड को रीड करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है कि अभी यहाँ से ये टिकॉन तो हमें निकाल देना है, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहे थे, तो वो 3.3 वोल्ट जो है कहीं से भी उसको जंप करके ये एच सिंक वाली लाइन के ऊपर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे बोर्ड के ऊपर है, और यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी देख ली कि टिकॉन ऊपर के ऊपर से यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो यहाँ से एच सिंक वाली लाइन इस जगह पे है LVDS कनेक्टर के ऊपर मदरबोर्ड के, तो यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट का एक जंपर लगा देंगे, तो ये सेट जो है चालू हो जाएगा। तो अभी मैं इसको जंपर कर देता हूँ, फिर मैं वापस आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो है 3.3 वोल्ट का एक जंपर लेके इस जगह पे जो एच सिंक की लाइन जो जा रही थी टिकॉन के ऊपर वहाँ पे उसको जंपर कर दिया है, और अभी इसको हम स्विच ऑन करेंगे तो अभी इसमें डिस्प्ले आ जाएगा और फाइव लिंक में भी नहीं जाएगा, ये स्विच ऑन कर दिया है, ये सोनी का लोगो आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर भी आ गया कंप्लीट, ओके हो गया ये सेट। ओके, तो इस प्रकार से कुछ कुछ सेट्स में जो है कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें नॉर्मल से कुछ अलग ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स या एक्स्ट्रा फीडबैक जो है वो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसी प्रकार के और टेक्निकल डिटेल्स और टेक्निकल केसेस के स्टडीज़ को जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप दूसरे जो टेक्निकल वीडियोस है उसको भी सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम इस प्रकार के जो टेक्निकल फॉल्ट्स है उसके लिए हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसमें एडवांस लेवल पे इस प्रकार के जो फॉल्ट है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो सारा कुछ उसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप ज़्यादा जानकारी जो है वो हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।